इमरान खान को मालूम था कि आगे की गलियां बड़ी पेचीदा हैं, अभी जो खेलना है खेल लो और बाकी तो ये भटकती रहेंगी बातें कोर्ट के गलियारों में। कोर्ट में आज ये याचिका गई, अब ये सुओ मोटो हुआ, याचिका गई, अभी ये साफ हो जाएगा, क्योंकि आज दुनिया न्यूज एजेंसी जो है वहां की वो ये कह रही थी कि सुओ मोटो लिया गया, और इधर से कहा जा रहा था ओपोजिशन की तरफ से कि हमने याचिका दी है। यहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई, और इस तरीके से नहीं नहीं, अब देखिए मैं ये कह रहा हूं कि आज जब आपने अचानक बैठक बुलाई, अचानक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सारे जजेस को बुलाया, घर पे बुलाया, बैठक की, और उसके बाद इस महत्वपूर्ण मसले में जिसमें आपको तुरंत किसी तरीके का समाधान देना चाहिए ऑपोजिशन को, अगर आप सोमवार भी कर रहे हैं तो इमरान के लिए वक्त मिल गया। बिल्कुल मिल गया। और इसमें एक और बात है, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, ये लार्जर बेंच की है, और अब ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान विल बी डिपेंड ऑन दिस। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतनी गट्स करेज है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे एक प्रकार करे? क्यों? देखो पाकिस्तान की आर्मी ने एक मेच्योरिटी स्टेप लिया, मैं ये कहूंगा, उन्होंने बोला है कि जो भी कुछ हो रहा है वो पॉलिटिकल है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, नहीं तो इट वाज अ राइट टाइम फॉर आर्मी टू टेक ओवर। इट वाज अ राइट टाइम फॉर आर्मी टू टेक ओवर। तेज टिक्कू साहब से समझना चाहूंगा, क्या ये होते देखेंगे क्या हम? सर एक दो दिन में पता चला इमरान सोच रहे हैं कि आर्मी की तरफ से कुछ नहीं होगा और आर्मी आगे उनका तख्ता हड़प ले। नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि आर्मी इंटरवीन करेगी। आर्मी ने जो करना था करती रही है, आर्मी क्यों नहीं करेगी? लेकिन ये 2022 है, दुनिया अब बहुत आगे बढ़ी, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।